हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रवण कुमार। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करके जस्ट उठ चुका हूँ। तो आपको सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो अब चलते हैं फ्रेश होने के लिए। और हमारी वाइफ को देखिए ये क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग, रोटी बना रहे अभी। और सारा चीज़ तो लग रहा है जैसे कि सारा चीज़ बन चुका है, तो अभी जा रही है रोटी बनाने के लिए। अब हम चलते हैं फ्रेश होने के लिए। और अब फ्रेश हो जाते हैं। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन बात यह है कि गर्मी भी उतना ही ज़्यादा है। पूरा गुम्बस ऐसा हो गया है, पूरा पसीना पसीना हो रखा होगा चेहरा, आप तो देख ही पा रहे होंगे। आज तो सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और फील्ड में चले गए थे घूमने के लिए। घूम कर आए, फिर वीडियो को एडिटिंग किए। और अभी तक मैं ये सारा काम घर का कर चुकी है। अब बना रही है यहाँ पर रोटी। और हम चलते हैं अब फ्रेश होने के लिए। मोबाइल एक ही है, एक ही से ब्लॉगिंग होता है और एडिटिंग भी एक ही मोबाइल से होता है। तो सुबह से लेके सुबह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखते हैं आज खाना में क्या मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, तो मेरा रोटी बन गया है, देख सकते हैं। रोटी बनाकर इसमें रख दिए हैं और देखते हैं कि फ्रेश होए कि नहीं, कहाँ चले गए। क्या कर रहे हैं? शेविंग कर रहे हैं और ये टूट गया है शायद, इसको ठीक भी कर रहे हैं। बोले कि फ्रेश हो रहे हैं, इसको भी फ्रेश ही कहा जाता है। अपना शेविंग कर रहे हैं, अभी आधा दाढ़ी मुड़ गया है, आधा बचा हुआ है। तो ये जोकर के तरह लग रहे होंगे, कमेंट करके बताइएगा कैसा दिख रहे हैं अभी हम। डेली लेट करते हैं और आज भी ज्यादा लेट कर रहे हैं, तो इंतजार करते हैं। दोस्तों फाइनली नहा धोकर हो गए हैं रेडी और हमारे लिए खाना भी आ चुका है। ये देख सकते हैं, ये कल जो रात में बना हुआ था आप सब ब्लॉग में देखे होंगे, चिकन है ये, कितना मसालेदार है। ये अभी रोटी और सब्जी बना है। और इधर है आम पानी और ये सारा चीज़ कंप्लीट करके लाई है। और हमारा खरगोश भी यहाँ पर आके इंतज़ार कर रहा है खाना खाने का, ये देखिए। तो हम सब चारों मिलकर अब खाएंगे खाना, खरगोश के लिए भी खाना दे देंगे, हम दोनों भी साथ में खाएंगे। चलिए खाना को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सारा दिन क्या करने वाले हैं। कोई आइडिया नहीं है, आप सब डायरेक्ट लाइव देखिएगा हम सबको कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहले स्क्रिप्ट लिख देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वर्क होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सारा चीज़ आपको लाइव मिलेगा। जो हम रियल करते हैं वो सब आप सब देखते हैं, इसके लिए एक लाइक कर ही दीजिए। मेहनत बहुत लगता है एक ब्लॉग बनाने में, एडिटिंग करने में। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। चलो आ जाओ, हम बैठेंगे कुर्सी पर, हमारी वाइफ बैठेगी बिछावन पर और खाना करेंगे स्टार्ट। सो फाइनली गाइज, खाना पीना मस्त हो चुका है और अभी जस्ट खाना खाकर उठ चुके हैं। देखिए खाना खाते खाते एक बज गया है, तभी सब नीचे हम खरगोश को जो दिए थे पूरा छीट कर रख दिया है। और आपको दिखा दें हमारे टीवी का सिग्नल चला गया है, फ्री डिश लगाए हुए हैं। तो इसका एक निंजा टेक्निक आप सबको बता देते हैं, कभी भी आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपका ये चैनल भाग जाएगा तो किसी मिस्त्री को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने से इसे ठीक कर सकते हैं। आप एक मोबाइल लीजिएगा, ठीक ना, ऐसे ही नॉर्मली समझ सकते हैं आप सब। एक मोबाइल लीजिएगा, दूसरे मोबाइल में वीडियो कॉलिंग कीजिएगा और बैक कैमरा करके ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको लगा देना है आपको कैमरा पे। तो उसका स्क्रीन जो होगा दूसरे मोबाइल में आ जाएगा। छत पर जाके धीरे धीरे से छतरी को हिलाना है और सेम प्रोसेस से ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, इस तीर के बाहर जैसे ऊपर में आया हुआ है वैसे इस छोटा सा तीर के बाहर आएगा। उसके बाद हो गया, अपना चैनल आ गया, सिग्नल मिल जाएगा, फिर आइए अपना टीवी देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए इसको फटाफट से ठीक करते हैं। एक मोबाइल ये रहा जिससे अभी ब्लॉग बन रहा है, दूसरा मोबाइल हमारे वाइफ का रहा ये वाला, इस पर अभी वीडियो कॉलिंग करेंगे और इसे ठीक करेंगे। आप हमारे ब्लॉग में अगर देखे होंगे तो एक बार मैं बताया हुई हूँ बहुत अच्छे तरीके से, एक बार नहीं दो बार शायद बता चुका हूँ, वही नॉर्मली तरीका से मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों शाम का 4 बज चुका है और अभी तक छत पर गए ही नहीं, छत पर जाने लगे थे उसके बाद एक और पता नहीं कैसे मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द देने लगा,
तो छत पर गए ही नहीं और अभी तक सिग्नल ठीक नहीं कर पाए हैं। तो अभी बहुत अच्छे से मेरी वाइफ मसाज कर चुकी है, तो अब थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सर लग रहा है। पूरा सर एकदम बहुत ज़ोर से दर्द दे रहा था। अब चलते हैं, अब इसे ठीक करते हैं इस टीवी को, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा सर में दर्द होने लगा था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेल लगा लिए हैं, वो ठंडा तेल होता है ना, वो ठंडा तेल लगा लिए हैं। अब चलते हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और एक बात बता दूँ, आज रिकॉर्ड टूट गया है, आज ही सोए ही नहीं है ना, हम सोने दिए हैं। आज सारा दिन मेरे पे ही परेशान थी, क्योंकि मेरा सर दर्द दे रहा था, तो ये मसाज वगैरह अच्छे से कर दिए। अब फ्रेश फ्रेश माइंड लग रहा है। फटाफट से चलते हैं, टीवी को ठीक करते हैं। आज खाना खाने बैठे थे तो ये टीवी ही देखे खराब है, तो टीवी खराब है, सिग्नल खराब है। हाँ, बात में दम है। तो चलते हैं, इसे पहले ठीक करते हैं। सो गाइज, देख सकते हैं पूरा हमारा नेटवर्क मिल चुका है, और अब पूरा पसीना पसीना भी हो चुके हैं। और थोड़ा सा हवा खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों, मस्त अभी दे रहा था एक मूवी, तो उसी को देखते देखते अभी हो गया है शाम का, देखिए 6, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। अभी क्लोजअप का प्रचार आ चुका है, ये भी देख रही थी, हम भी देख रहे थे। अब चलते हैं छत पर थोड़ा सा घूमने के लिए। नीचे में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चला दिए थे सामने में, इसको और उसको, वो भी पंखा बंद हो गया सोलर प्लेट वाला। अब ये रह गया, देखिए क्या क्या चीज़ प्रचार आ रहा है। हाँ, ऐसे ही व्यायाम किया कीजिए। तो चलते हैं छत पर, थोड़ा सा घूमते हैं टहलते हैं। उसके बाद गेट में ताला भी लगा दिए, और अभी तक देखिए ये जैसे के तैसे पड़ा हुआ है, गेट नहीं लग पाया है आगे। अब चलते हैं डायरेक्ट छत पर, पता नहीं कब लगेगा गेट। आ गए छत पर, और यहाँ पर भी हवा नहीं चल रहा है, कोई पेड़ पौधा नहीं हिल डुल रहा है, और यहाँ पर चिड़िया की चहचहाट की आवाज़ सुन सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, और यहाँ पर देख ही सकते हैं एक छोटी सी बेटी है, ये भैया है हमारे, जो कि अभी ब्लॉग में नहीं आएंगे, तो अभी पीछे साइड घुरे हुए थे, इसीलिए आप सभी को ब्लॉग में दिखला दिए हैं। तो धीरे धीरे बताएँगे रीजन, तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए। चलिए थोड़ा सा घूमते फिरते हैं और ऊपर का नज़ारा लेते हैं। अभी बादल देखिए कितना ही शानदार हो रखा है, आज फिर बारिश पड़ेगा। सो फाइनली गाइस, अपना खाना भी आ चुका है और खाना स्टार्ट भी कर चुके हैं, और यहाँ पर पूरा हेल्प करते हुए हमारे भैया और भाभी को, वो अभी ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। चलिए खाना को करते हैं स्टार्ट, और आई होप आपको यह नॉर्मल सा और छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भैया की तरफ से मिल चुका है लिट्टी। चलो ठीक है, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय।